मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जाके रह सकता है, बस सकता है। अरे अच्छी बात है, लेकिन ये केवल झारखंड में है क्यों? आज जितने भी यूपी बिहार के लोग, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और ब्यूरोक्रेट्स में उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, इसलिए साफ कहते हैं। आपके लोग बंगाल में भी हैं, हमें एक भी आंदोलन दिखाइए बंगाल की गलियों में जो आपने अपनी भाषा और अपने अधिकार की बात किया हो। आपके लोग महाराष्ट्र में हैं और हजार में नहीं लाख में हैं, आप बताइए कब अपने महाराष्ट्र में आंदोलन किया है। आपके लोग तेलंगाना में हैं, आपके नहीं हमारे लोग झारखंड के लोग भी हैं, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी राज्यों में है। बताइए, मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई विभाजन की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई रोटी के अधिकार की है। मेरे जितने भी यूपी बिहार के भाइयों जिनको ये लगता है, बताइए बाकी राज्यों में आपका क्या स्टैंड है, बाकी राज्यों में आपका क्या अधिकार है? अरे उतना छोड़िए, हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार के हैं, बिहार के ही है ना। हाल फिलहाल बड़का गांव गए थे और जयंत सिन्हा बगल में बेटा खड़ा था, जयंत सिन्हा जी के बगल में उनका बेटा खड़ा था और क्या बोला पता है? इस पुल का निर्माण हम नहीं कर पाए, मेरा बेटा करेगा। बप्पो सांसद, जयंतो सांसद, अपर बेटू अब सांसद की तैयारी में। मैं पुनः रिपीट करूंगा, मेरे जितने यूपी बिहार के भाई जो आज यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, जो आज शासन से प्रशासन में यहाँ अपना प्रभुत्व बना के रखे हैं, अपना वर्चस्व बना के रखे हैं, आपके लोग महाराष्ट्र में भी हैं, एक मुखिया नहीं है आपका वहां, एक वार्ड पार्षद नहीं है आपका वहां, ये झारखंड है। एक तो उल्टा आपको झोली भर के रहने दिए, ठिकाना दिए और आज हम फिर आंख दिखा के बात करते हैं कि भारत में कोई कहीं है। तो बताइए महाराष्ट्र में आपका कितना विधायक है, बताइए पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है, पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है, बताइए। दिल्ली का बात मत कीजिए, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। तमिलनाडु में आपका कितना विधायक है, तेलंगाना में आपका कितना विधायक है, झारखंड में गिना देते हैं। जयंत सिन्हा विधायक का एमपी गिना रहे हैं, जयंत सिन्हा, संजय सेठ, सुनील सिंह, बीडी राम, पीएम सिंह, निशिकांत दुबे, कितना गिनाएंगे, कितना गिनाएंगे? तो इसलिए हम स्वीकार करते हैं, मैं खासकर बिहार के तमाम जो भी लोग जिस पद पर है, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं, संवैधानिक दृष्टिकोण से आप हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि इसी भारत के संविधान के तहत हम लोग आपसे अलग राज लिए हैं। और ये मेरा संदेश, क्योंकि लोग बिहारी झारखंडी करते हैं, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि याद रखिएगा झारखंड के बाद इससे बड़े बड़े दबंग नेता आएंगे, इस छोटी सी आयु में इतने सरल तरीकों से बात रखने वाला बेटा बहुत कम आएगा। मैं तमाम बिहार के भाइयों को संदेश दूंगा, मैं तमाम बिहार के भाइयों तक ये संदेश दूंगा, हम मानते हैं आप हमारा बड़ा भाई है। अभी गांव में शादी का सीजन है, अगर किसी भाई का विवाह होता है 5 साल बाद उसको अधिकार अलग दिया जाता है, चूल्हा अलग दिया जाता है, यस या नो? हमरो भाई के विवाह भाई के लोग नेता नहीं दिए पार लियो, माफी चाहियो कि हमें घर नहीं हलियो। अगर भाई का, चूंकि शादी का दिन है, भाई को शादी दिया, 2 महीना 6 महीना बाद चूल्हा अलग मिल गया, कुछ साल बाद उसको खेत अलग मिला, मिला कि नहीं मिला? तो यदि उसको चूल्हा अलग मिला तो क्या बड़ा भाई का यह कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई का चूल्हा में जाके अपना भोजन पकाएगा? नहीं बनता है। क्या बड़ा भाई का कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई को हिस्सा में जो खेत मिला है उसमें जबरदस्ती फसल लगाएगा? यह संदेश बिहार के भाइयों के लिए, सीधा संदेश, कोई डर भाई नहीं, लॉजिकली संदेश, ये सीधा संदेश मेरे बिहार के भाइयों के लिए है। हाँ, हम स्वीकार करते हैं हम बिहार से ही अलग हुए हैं और हम आपको अपना बड़ा भाई और खुद को छोटा भाई मानते हैं,
और आपसे हमने जमीन का टुकड़ा 46% लिया है। जैसे हमारा क्षेत्रफल है 79,000 वर्ग किलोमीटर, बिहार का है 93,000 वर्ग किलोमीटर, उनके पास 54% है, हमारे पास 46 है। चलिए 46 ही बहुत है। तमाम बिहार के भाइयों, हमने आपसे ही अलग राज लिया है, हम आपका छोटा भाई है, हम अलग चूल्हा ले लिए, हम अपना अलग खेत बना लिए, अरे हम अपनी पत्नी भी बिहार के अलग ले आए। कि हमारी पत्नी आपकी होगी, कि हमारा खेत आपका होगा, कि हमारा चूल्हा आपका होगा? जब हमारा चूल्हा आपका नहीं, हमारी रोटी आपकी नहीं, हमारी पत्नी आपकी नहीं, हमारा खेत आपका नहीं, तो फिर ये राज आपका कैसे? एक लाइन में उत्तर दीजिए, एक लाइन में उत्तर दीजिए। इसीलिए भगाने की लड़ाई नहीं है मेरे बिहार के भाइयों, ये भाई भाई में लड़ाई की बात नहीं है, ये बड़ा भाई जो हमको अधिकार छोटा भाई को दिया है, हम यही चाहते हैं कि मुंह जवानी नहीं, वास्तव में हमको अधिकार चाहिए। जो खेत जो हमारा 40% है, बिहार से जो हमें खेत मिला है 79,000 वर्ग किलोमीटर का हमारा खेत है, झारखंड को खेत मानते हैं, हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में खेत मिला है, हम उस खेत में जोतने का, कोड़ने का, काटने का और उस फसल को खाने का अधिकार मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। इसीलिए भरम मत फैलाएं, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भरम नहीं फैलाएं कि यहां बाहरी भीतरी कर रहे हैं। आप आए हैं, बड़ा भाई को जिस प्रकार एक छोटा भाई अधिकार देता है, यदि मान के चलिए हमारी लुगाई छोटे भाई की पत्नी अगर अपने मायके से ऐसा पिठा लेके आई तो बड़ा भाई को जरूर दो चार को देती है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ कंपनी है, आपको 25% की बात कर रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए। हमारे यहाँ जो सरकार की नौकरियां है, हम 10% खुला रख रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए, बिहारी को लेना है, बंगाली को लेना है लीजिए। हम यहाँ जो प्रशासनिक, जिसमें हमारे प्रशासन पुलिस के बड़े अधिकारी बनते हैं, जेपीएससी, हम वहां भी कह रहे हैं 75% दो, वहां भी 25% खुला रख रहे हैं। अरे बड़ा भाई को दे रहे हैं, नियम से देंगे ना।